नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांवड़ यात्रा को क्यों दी परमिशन? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। पाकिस्तान में बस में बम विस्फोट, 6 चीनी इंजीनियरों समेत 10 लोगों की मौत, 30 हुए घायल। वाराणसी में पीएम मोदी के विरोध और उपद्रव की आशंका, 89 लोगों की लिस्ट तैयार, नजर रखने के आदेश। इन्हीं लोगों ने किया था नसबंदी का विरोध। जनसंख्या कानून को लेकर बीजेपी पर बरसे भूपेश बघेल। शादी के 3 महीने बाद ही पैदा हो चुका है दिया मिर्जा का बेटा, फोटो के साथ बताई कहानी। कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे सिद्धू, अब अरविंद केजरीवाल ने दिया ये बयान। भगवान ने बचाया, देखें गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी बिजली, पर कोई हताहत नहीं, वायरल हुआ वीडियो। 7 साल के इस बच्चे के न्यूज रिपोर्टिंग वीडियो खूब हो रहे वायरल, देखकर लोगों को आ रहा प्यार। मंत्री पद न मिलने पर जुटी थी पंकजा मुंडे के दफ्तर पर भीड़, 42 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। जन्मदिन के दिन हुआ नाबालिग का अंतिम संस्कार, थप्पड़ का बदला लेने को कुल्हाड़ी से किया हमला, मामला दिल्ली के मोती बाग का। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।